गरीबो, अगर पैक यूट्यूबर की पैक बातों से आप लोग तंग आ गए हो तो ये वीडियो आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुल्तान सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रौडी सिकंदर। पिछली वीडियो से हमने यूट्यूब की कोर्स स्टार्ट की थी और पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह आप लोगों ने अपने चैनल का एक यूनिक नेम रखना है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो जनाब वहां से स्टार्ट ले ताकि स्टेप बाय स्टेप आप लोग अच्छी तरह सीख सके। यूट्यूब के इस कोर्स में हम वो सारे चीज़ें यानी वो सारा कंटेंट जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को मुख्तलिफ लोग सेल करते हैं, आप लोगों को भेजते हैं, यानी यूट्यूब की सच्ची कोर्स जो कि कोई भी आपको सोशल मीडिया पर इस तरह नहीं बताता बल्कि उल्टा आप लोगों को गलत तरीकों से आप लोगों को गाइड करते हैं, तो इस तरह बिल्कुल नहीं होगा। आपको सच्चाई से बड़ी कंटेंट मिलेगी यहाँ पे और वो सारी चीज़ें जो कि एक पेड कोर्स में आप लोगों को मिलती है वो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो यूट्यूब का कोर्स हमने पिछली ही वीडियो से स्टार्ट किया था, ये उस कोर्स की दूसरी वीडियो है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके उस वीडियो को देखें, बाद में इस वीडियो को विजिट करें। तो जनाब इस कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे, पहले तो मैं आप लोगों से वो डिस्कस कर लेता हूँ। पिछली वीडियो में जिस तरह मैंने बताया था कि आप लोगों ने अपना यूट्यूब का जो नेम है वो यूनिक किस तरह क्रिएट करना है, इसके बाद जो कि आज की हमारी वीडियो है वो इस टॉपिक के हवाले से है कि किस तरह हमने अपनी यूट्यूब के लिए एक प्रोफेशनल ज़बरदस्त किस्म की लोगो क्रिएट करनी है, वो भी अपनी मोबाइल के स्मार्टफोन के जरिए, यानी स्मार्टफोन जिस तरह भी हो, यानी अगर आपके स्मार्टफोन में 2GB रैम हो, 3GB रैम हो, 4GB रैम हो, कोई मसला नहीं है, हर स्मार्टफोन से जो है आप 4K के क्वालिटी के साथ भी लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस हवाले से बात करेंगे कि अपने स्मार्टफोन के जरिए हमने किस तरह अपने चैनल के लिए एक ज़बरदस्ती लोगो क्रिएट करनी है, क्योंकि जब आप लोगों की लोगो अच्छी हो तो इसका भी YouTube जो है रैंकिंग में एक अहम किरदार है। यानी आपकी लोगो अगर प्रोफेशनल लोग आपकी लोगो से जो है बहुत से लोग यह अंदाज़ा लगाते हैं कि आपका जो चैनल है वो एक ब्रांड है, आपका जो चैनल है वो दूसरे चैनलों से अलग दिखता है YouTube पे। तो लोगों के हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा आगे स्टेप बाई स्टेप हमने बहुत सी चीज़ों के हवाले से बात करनी है, बहुत सी चीज़ें आप लोगों ने सीखनी है, जिसमें आप लोगों ने चैनल अपने यूट्यूब का जो चैनल बैनर है, यानी आप जो यूट्यूब के लोगों के नीचे अगर आप किसी भी चैनल को विजिट करेंगे तो यूट्यूब के जो चैनल है उस लोगों के नीचे एक बैनर होता है जिस पे यूट्यूब के उस चैनल की कुछ इंफॉर्मेशन दी गई होती है, यानी जो इन्फॉर्मर होता है यानी जो बोलने वाला होता है उसकी काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है वो इस चैनल बैनर पर जो है लिखी गई होती है। तो उसको हमने क्रिएट किस तरह करना है आगे वीडियो में हम इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा SEO किस तरह करनी है हमने अपने YouTube की, तो बहुत सी बातें हैं जो कि धीरे धीरे आप लोग सीखेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ इस हवाले से बात करेंगे कि अपनी चैनल के लिए आपने एक प्रोफेशनल लोगो किस तरह क्रिएट करनी है, और भी स्मार्टफोन के जरिए, ना लैपटॉप के जरिए, ना किसी और गेमिंग PC के जरिए, बल्कि अपने टूटी फूटी स्मार्टफोन जो कि आप यूज़ करते हैं, चाहे जितना भी रैम हो उसमें, उस हवाले से आप लोगों ने उसमें आप लोगों ने अपने प्रोफेशनल लोगो किस तरह क्रिएट करनी है। तो इसके लिए हमने डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ बढ़ना है, लेकिन अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यानी जितने भी न्यू विजिटर हैं तो उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक भी करें, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक बरवक्त पहुंचती रहेगी। और इसके अलावा अगर और भी आप लोगों को इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो किसी को तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। हमारे आने वाली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उस सवाल का जवाब आप लोगों तक पहुँचा सकें। तो डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ जो है हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह हमने अपने चैनल के लिए लोगो क्रिएट करनी है और भी स्मार्टफोन के जरिए। लेट्स स्टार्ट। जी तो जिन सॉफ्टवेयर के जरिए हमने लोगो बनानी है, लोगो क्रिएट करनी है अपने यूट्यूब के लिए, उसका नाम है पिक्सलैब। तो मैं यहाँ पे पिक्सलैब पे क्लिक कर देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर आप लोगों ने प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, अगर किसी के पास है तो ओपन कर दे, अगर किसी के पास मोबाइल में अवेलेबल नहीं तो जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहाँ पर आप सर्च करेंगे पिक्सलैब तो आप लोगों के सामने आ जाएगा, तो इन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर ले। ये सॉफ्टवेयर बेस्ट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, लोगो, फ्लायर, बैनर, जो चीज़ें भी आप लोगों ने डिज़ाइन करनी हो यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वहाँ पे आप लोगों को पे करना होगा, आप लोगों ने पैसे देकर उस सॉफ्टवेयर को खरीदना है और बाद में उनके उससे जो है एडिटिंग करनी है, लेकिन ये वाहिद सॉफ्टवेयर है जो कि आपको बेस्ट क्वालिटी वीडियो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लोगों को एक रुपया भी देना नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, नीचे जो चीज़ें हैं इनको समझना है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑप्शन पे यहाँ से जो ए लिखा हुआ है इस पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये जो ऑप्शन है ये है टेक्स्ट के लिए, यानी आप लोगों ने जो कोई भी राइटिंग करनी हो या उस राइटिंग का डिज़ाइन चेंज करना हो तो आप इस ऑप्शन से
कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है इस पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो इसके अंदर मुख्तलिफ शेप बेजर टूल वगैरह जो कैलकुलेटर में भी इस्तेमाल होता है वो चीज़ें हैं। तीसरे जो जो ऑप्शन है इस पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो इसके अंदर कलर ट्रांसपेरेंट वगैरह जो कि अगर आप लोग रोज़ाना के हिसाब से यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे ये सारे जो टूल है ये आप लोग सीख जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लोगों डिज़ाइनिंग के हवाले से, तो हम अपने टॉपिक को जस्ट लोगों से जो है रिलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो बैकग्राउंड है उसके लिए आप लोगों ने ये जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ जो ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसके पे इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। ओके, तो जो ही मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे आप लोग अगर देखें तो कलर का ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोगों ने इस कलर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो ही आप इसके अंदर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आ गए हैं, एक है कलर और दूसरा है ग्रेडियंट। तो बैकग्राउंड अगर आप लोगों ने जो भी सेलेक्ट करना हो, अगर आप लोगों ने ग्रेडियंट सेलेक्ट करना है तो ग्रेडियंट दरअसल में दो या तीन कलर अगर आपस में मिक्स हो जाए मिल जाए तो इसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है प्लेट कलर, यानी अगर आप जिस भी कलर पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ वही कलर जो है वो बैकग्राउंड पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ से ब्लैक पे क्लिक कर देता हूँ, तो जो कि बैकग्राउंड है वो मैं ब्लैक रखूँगा, तो मैं ब्लैक पे क्लिक कर देता हूँ जिससे हमारा जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का हो गया। तो यहाँ से आप लोगों ने टिक पे क्लिक करना है। इसके बाद लोगो डिज़ाइन में सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे जो इंपोर्ट करनी है, जो चीज़ें इंपोर्ट करनी है तो वो है शेप्स। तो शेप्स इंपोर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, और ऊपर अगर आप लोग देखें तो ये प्लस का निशान आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोगों ने इस प्लस के निशान पे क्लिक करना है। ओके, जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे बारी बारी सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई देगी। फर्स्ट नंबर पे टेक्स्ट है, दूसरे ऑप्शन अगर आप लोग देखेंगे तो करंट डेट है, तीसरा स्टिकर, तो फोर्थ ऑप्शन अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर शेप्स लिखा हुआ है। तो मैं इस शेप्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, जो ही मैं इस शेप्स के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रेक्टेंगल आ गया, लेकिन मुझे रेक्टेंगल नहीं चाहिए, यहां से जो है मैं जो सर्कुलर ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर देता हूं। ओके, तो सेलेक्ट इस ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यह आगे देखें हमने क्या करना है, इसके नीचे अगर आप लोग देखें तो एपिसिटी का ऑप्शन है, मैं इसको जो है एपिसिटी को बिल्कुल ख़त्म करूंगा, यानी मुझे शेप नहीं चाहिए बल्कि शेप के इर्द गिर्द जो स्ट्रोक है मुझे स्ट्रोक चाहिए। तो मैं स्ट्रोक को यहाँ से इंक्रीज कर दूँगा। नीचे अगर आप लोग आए तो स्ट्रोक को आप एक खास किस्म का कलर भी दे सकते हैं, तो मैं येलो को सेलेक्ट करूंगा क्योंकि ब्लैक के ऊपर येलो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तो मैं इसको यहां से टिक कर देता हूं। अभी इस शेप में अगर आप लोगों ने जो भी चेंजेस करनी हो तो आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं, यानी इस ऑप्शन में अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो इस शेप के अंदर जितनी भी एडिटिंग करनी है आप लोग इस ऑप्शन से कर सकते हैं। ओके, तो दरअसल में मुझे इस शेप जैसा एक और शेप चाहिए, तो मैं यहां से जो है कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो इस शेप का जो दूसरा जो 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 कॉपी वर्जन है वो यहाँ पर आ गया, यानी इस शेप का डुप्लीकेट यहाँ पर मेरे साथ जो है वो क्रिएट हो गया। तो मैंने क्या करना है, एक तो ऑलरेडी मौजूद है, दूसरे को मैं थोड़ा सा डिक्रीज करके यहाँ दरमियान पे ला के रख देता हूँ। इसके अलावा अगर आप लोग ऑटोमेटिकली चाहते हैं कि ये दरमियान में आ जाए ये शेप्स, तो जस्ट उस शेप पे क्लिक करें, रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ मिड ऑप्शन पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो एडजस्ट हो गया। इसी तरह दूसरे को भी मैंने मिड ऑप्शन पर लाना है तो इस पर भी मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से रिलेटिव पोजीशन के अंदर मिड पॉइंट और फिर दोबारा ऊपर से मिड पॉइंट, तो ये दोबारा जो है दरमियान में आ गया। अभी इसके अंदर मैंने जो है इंसर्ट करना है एक टेक्स्ट, तो मैं सिंपली प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, इसके अंदर मैंने टेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब टेक्स्ट मैंने कौन सा क्रिएट करना है, टेक्स्ट ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा, एडिट करूंगा, तो टेक्स्ट के अंदर मैंने जो है मैं सिंपली यहाँ से आर सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो आर के ऑप्शन पर आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, इसकी साइज़ को आप लोगों ने थोड़ी सी इंक्रीज करनी है। यहाँ मैं इसको लाके इसके मिड पॉइंट पे रख देता हूँ। रिलेटिव पोजीशन में अगर मैं इसको मिड पॉइंट पे सेलेक्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट पे एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ से मैं टिक कर देता हूँ। अभी जिस तरह जो है इर्द गिर्द जो है येलो कलर है, तो मैं इस आर को भी येलो कलर दे देता हूँ। ओके, तो इस आर को मैं यहाँ से इसका कलर भी मैं येलो कर देता हूँ। अभी मैंने क्या करना है, इस सारे जो जितने भी ये शेप है और इसके अंदर जो टेक्स्ट है मैंने इस सब को मर्ज करना है, यानी इन सब को आपस में मिला देना है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ऊपर आपको एक क्लियर का ऑप्शन दिखेगा, आप लोगों ने इस पर सिंपली क्लिक करना है। इसके अंदर आप लोगों ने यहाँ से नीचे टिक ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसके अंदर आप लोग ये सारे जो ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जो नीचे मर्ज का ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे मर्ज हो जाएंगे। तो मैं सिंपली यहाँ से इस मर्ज पर क्लिक कर देता हूँ। ओके,
तो जो ही मैं इसको मर्ज करूंगा, ओके करूंगा, तो अब ये सारे जो शेप है ये आपस में मिल चुके हैं, यानी एक कट है, हम इसको या एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे दोबारा आऊँगा शेप के ऑप्शन पे, इसके अंदर मैं रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करके इसको मैं दोबारा से मिड पॉइंट पे सेलेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन है जिससे हमारी लोगो एक ज़बरदस्त किस्म की लुक इख्तियार कर लेती है, तो वो क्या है कि मैंने सिंपली इस लोगो पे क्लिक करना है, यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे साइड पे आ जाऊँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन है 3D शेप, यानी अगर मैंने इस शेप को 3D, यानी इस लोगो को मैंने 3D शक्ल देनी है, तो मैं इस 3D शेप को ऑन कर दूंगा। इसके अंदर मैं इस इनेबल के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और ये जो है 3D ऑप्शन इनेबल हो गई। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, यानी ये ठीक तरह जो है 3D ऑप्शन इसने इख्तियार कर नहीं किया। इसकी वजह यह है कि मेरे जो मोबाइल में रैम है वो कम है, और बाज़ औक़ात कम रैम की वजह से जो 3D ऑप्शन है उस पूरी तरह जो है इस पर अप्लाई नहीं होता। तो सिंपली आप इसको अगर थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। ओके, अब इसको अगर आप पर्सपेक्टिव साइज पे पर्सपेक्टिव ऑप्शन पे रहने देते हैं तो यहाँ इस पर ही छोड़ दीजिए। अगर आप लोगों ने ओब्लिक ऑप्शन पे क्लिक करना है तो मैं यहाँ से इसको ये भी कर सकता हूँ। अब ये डेप्थ को मैं थोड़ा सा डिक्रीज करूँगा। ओके, आई थिंक 2 बेस्ट होगा। ओके, इसके अलावा अगर इस शेप को आपने इस तरह मूव करना है तो आप इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं, यानी इसकी जो डायरेक्शन है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसकी एंगल को थोड़ा सा चेंज करूंगा, इस ऑप्शन पे ये बेहतर दिखाई दे रहा है। ओके, इस तरह अगर आप देखें तो इसकी अगर लाइटिंग है उसकी एंगल आपने चेंज करनी है तो उस लोगों की लाइटिंग की एंगल भी आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस टिक ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। साइड पे अगर मैं आऊँगा तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है एम्बॉस, ये ऐसा वाहिद ऑप्शन है। अगर आप इसको यहाँ से एम्बॉस पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से ऑन करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी लोगो है वो मुकम्मल तौर पर रेडी हो गई है। इसमें के अंदर एक लाइटिंग इफेक्ट आ गई है जिससे हमारी लोगो बहुत ज़बरदस्त किस्म की दिख रही है। ओके, तो यहाँ से मैं इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता हूँ, यहाँ से एम्बिएंट लाइट, तो जो भी चेंजेस आप कर सकते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, जी, तो हमारी जो लोगो है वो मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुकी है। अभी इसका एक्सपोर्ट करने का टाइम है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आपको ऊपर जो ये ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है, इसके अंदर सेव एज ए इमेज पे क्लिक करना है, और सेव एज ए इमेज के अंदर आप जिस भी GPG फॉर्मेट के साथ अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अगर आप PNG फॉर्मेट के साथ एक्सपोर्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने डिफॉल्ट इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर मुख्तलिफ रिजोल्यूशन है, तो जिस भी रिजोल्यूशन के साथ आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हो। मैं अल्ट्रा रिजोल्यूशन पे क्लिक करूंगा और यहां जो ही मैं सेव टुगेदर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये सेव हो जाएगा। जी, तो आप देख सकते हैं हमारी लोगो मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। अगर आप इसको अभी अपने YouTube के लिए YouTube के प्रोफाइल पे आप लोग लगाना चाहें। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की ये वीडियो आप लोगों को निहायत पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट सेक्शन में जिस तरह मैंने आपको बताया अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मजीद वीडियोस के लिए फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड लक।